our YouTube channel Education World. आज हम करेंगे 13th of August के current affairs. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है World Loin Day on 10th of August. 10th of August को हर साल Loin Day मनाया जाता है. आपको पता कि जो 80% आबादी है किसकी of loins की वो 10 years में कम हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है. और कुछ इम्पोर्टेंट 10 अगस्त मंथ के डेज की बात करें तो 7th of August जेवलिन डे, 7th of August हैंडलूम डे, 9th of August ट्राइबल डे, 10th of August बायोफ्यूल डे, 10th of August ये आ गया जॉइंट डे, 12th of August इंटरनेशनल यूथ डे, 12th of August एलिफेंट डे, 29th of August इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे. इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर लंप, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर लंप डिजीज, लंपी डिजीज, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी डिजीज, और किसके लिए? लंपी डिजीज के लिए. आपको पता है डिजीज क्या है? वायरस है. और किसमें फैल रहा है? काउ में फैल रहा है. और उसी की रोकने के लिए इंडिया ने पहली उसकी वैक्सीन तैयार की है जिसका नाम है लंपी प्रोवैक. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंपी प्रोवैक. और अगर बात करें लंपी प्रोवैक किसने तैयार की है, ये की है नेशनल इक्वेन रिसर्च सेंटर. और ये कहाँ पर है? ये हिसार में है इन हरियाणा. और इसने इंडिया की पहली स्वदेशी और लंपी प्रोवैक तैयार की है लंपी डिजीज के लिए. ये भी याद रखना ये एक वायरस है. नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन उत्तराखंड. इंडिया का ऐसा पहला राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप जो कहाँ पर होने वाला है? उत्तराखंड में होना वाला. उत्तराखंड की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन 2000 में हुई थी. और ये किससे अलग हुआ था? तो ये यूपी से अलग हुआ था. और 2000 में ही इसकी हाई कोर्ट का भी बनाई गई. और कहाँ पर है इसकी हाई कोर्ट? नैनीताल में है. उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, एक तो है गैरसीन और एक है देहरादून. पीएम आवास योजना हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 31st December 2026. आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी. और ये योजना कब शुरुआत हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत 25 June 2015 में की गई थी. और इसकी टैगलाइन है हाउसिंग फॉर ऑल. पर अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है. और ये एक्सटेंड कब तक कर दी गई है? 31st December 2026. और ये योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है? महुआ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा. स्माइल 75 इनिशिएटिव स्टार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली. स्माइल 75 इनिशिएटिव चलाया गया है. सबसे पहले तो ये किस कहाँ से शुरुआत हुई? तो इसकी न्यू दिल्ली से शुरुआत हुई. तो किसके लिए शुरुआत की गई है? सबसे पहले तो इसकी मिनिस्ट्री, ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. और जिसके मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र सिंह. और अगर मैं बात करूं कि किसके लिए है, कोई भी इंडिविजुअल
जो केयर टेकर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको उसकी स्माइल में एक स्माइल लेकर आनी और उसको सहायता प्रोवाइड करवानी और उसके लिए फंडिंग देनी, 100 करोड़ की फंडिंग दी जाएगी इस इनिशिएटिव में। स्माइल योजना की फुल फॉर्म है, स्माइल योजना की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। हयाम सैटेलाइट हैज बीन टेस्टेड फ्रॉम कजाकिस्तान, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो ख्याम सैटेलाइट है, किस कंट्री की सैटेलाइट है, तो ये ईरान की सैटेलाइट है। और किस रॉकेट से इसका सफल पूर्ण परीक्षण किया गया, तो सोउन रॉकेट से, और ये किसका है, रशिया का। और कहाँ से किया गया, तो कजाकिस्तान से किया गया। कजाकिस्तान की बात करें तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री और इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। सीएम बाल आशीर्वाद योजना बाय मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के द्वारा सीएम बाल योजना चलाई गई है पर किसके लिए चलाई गई है, इंटर्नशिप के लिए। जो भी बच्चे हैं उनको इंटर्नशिप दी जाएगी फॉर 24 इयर्स तक दी जाएगी ताकि उनकी एक सफल पूर्ण नरिशमेंट हो सके, उसकी उनकी हेल्थ भी सही रहे। जो भी पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन्स है उनके लिए भी योजना चलाई गई है बाय मध्य प्रदेश। निर्धना बीमा योजना बाय तेलंगाना गवर्नमेंट, निर्धना बीमा योजना चलाई गई है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। और क्यों चलाई गई, जो भी हैंडलूम वर्कर्स हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो हैंडलूम वर्कर्स हैं, उनको बीमा देना, उनको लोन प्रोवाइड करना इस योजना का मेन मकसद हुआ। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और किस रिवर के किनारे है, मुसी रिवर के किनारे है। तो आज के सेशन में यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।